Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुस्वाइयां आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। मदनलाल, मैं चलता हूँ, आज प्रकाश जा रहा है ना, तुम संभाल लेना। ठीक है ठीक है, जाओ। पाप हो तो किशोरी लाल जाए, खुद तो मैट्रिक पास नहीं किया और बेटे को भेज रहा है अमरीका। काचिरे प्रीत मेरी साची, काचिरे प्रीत। क्या बात है बहादुर, बहुत चहक रहे हो। अरे बात ही ऐसी है दुग्गल, आज अपन का भाजा अमेरिका जा रहा है। अमेरिका? अच्छा, बड़ा शॉप बन कर आएगा। मुबारक हो, मुबारक हो। अबे पौवे, ये पौवा कहाँ ले जाना था? माफ करना बहादुर, मेरा बाप बहुत बीमार है, उसे खांसी की तकलीफ है, उसके लिए ले जा रहा था। अबे चूहे, कंपनी की चोरी करता है, चल आपको पास। बहादुर मैं कभी नहीं चोरी करूंगा, बजरंग बली की कसम। ओ जय बजरंग बली। तेरा बाप सचमुच बीमार है? हाँ। बाजार से खरीद लेना। बहादुर तुम सचमुच देवता हो। अबे शाले मशका मरता है। आगे जाए। तो जीजा जी। बहादुर चलना नहीं। जीजा जी आप चलिए, मैं ड्यूटी खत्म करके सीधा हवाई अड्डे पर आता हूँ। जल्दी आ जाना, चार ही घंटे रह गए हवाई जहाज में। आ जू।
रीना, मैं सात समुद्र पार जा रहा हूं, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हें हर वक्त अपने दिल के साथ लगाकर रखूंगा जाने मन। जरा मैं भी तो देखूं भैया की डांस। मैं कहता हूं फोड़ो दे दो। वाह, मान गए तुम्हारी चॉइस को। हां चल, अच्छा हुआ एक खतरा तो टला, अब किसी अंग्रेजी नेम साहब के इस घर में आने का कोई चांस नहीं। फोटो दे दियो कि नहीं? तेरा ठहरना, माँ को दिखा गया। नहीं नहीं नहीं, माँ को नहीं, तुम मेरे कसम। ये लो, नहीं दिखाते। अरे अरे, रूठ गई। तुमने कितनी बार कहा है भैया अपनी कसम मत दिया करो। ओहो, मेरी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बहन, इस वक्त तो मत रूठो, वरना इतनी दूर जाकर मैं पढ़ाई क्या करूंगा। खा, चलो नहीं रूठते। ये लो। ये क्या? रुमाल मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, इनके बहाने अपनी बहन को याद तो कर लिया करूंगी। अगली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? छोटी बहन होकर भी तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। अपनी पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी कर ली, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी में मैं कुछ बन जाऊं। गीता, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतार सकूंगा? मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। हाँ, वक्त आने पर मैं ब्याज समेत सब कुछ वसूल कर लूंगी। कब? जब बिंदिया चमकेगी। भगवान, प्रकाश इस घर की एक ही ज्योत है, परदेश में उसकी रक्षा करना और उसे सफलता देना। क्या देख रहे हैं पिताजी? अपने सपनों को सच होते देख रहा हूं बेटा। सदा सुखी। यात्री प्रकाश कपूर आपकी सेवा में उपस्थित है। हैप्पी लैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। प्रकाश, अगर तुम चिट्ठी बराबर लिखूंगा, अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा और किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। कहाँ मेरा भांजा, कहाँ मेरा भांजा? मामा जी, राम राम। कमाल है बहादुर मामा, अपने भांजे के लिए दो पैसे का हार भी नहीं लाए। हार की बात तुम्हारा मामा कभी नहीं करता। जीत की बात करो, जीत की। पहले हनुमान चालीसा, इसे सुबह शाम पढ़ने करना। कामयाबी तेरे कदम चूमेगी और मुसीबत तेरे पास कभी नहीं फटकेगी। छह नंबर अमीर गरीब, 35 रुपया 40 पैसा, 5 नंबर प्रेम नगर, 40 रुपया 50 पैसा, 10 नंबर 10 नंबरी, 30 रुपया 60 पैसा। फरमाइए। अजीजा, हमारी बेगम पकीजा के पाए मुबारक के लिए एक नफीस और मुलायम सा जूता पेश किया जाए। नवाब साहब, अगर आपको एतराज न हो तो हम आपकी बेगम साहिबा का चेहरा मुबारक देख सकते हैं। लाहौल मिला। भला अजीजा, जूते का चेहरे से क्या ताल्लुक? नवाब साहब, चेहरे के श्रृंगार और जूते के नक्शो निगार का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। बेगम साहिबा का चेहरा देखते ही हम ऐसा बेमिसाल जूता पेश करेंगे जिसे पहनकर बेगम के पाए मुबारक अपनी किस्मत पर नाज करेंगे। सुभान अल्लाह, अजीजा दुकानदारी तो कोई तुमसे सीखे। बेगम, उठा दो ना अपने रुखे मुबारक से पर्दा। नहीं, हमें शर्म आती है। लाहौल विला, भला अजीजा से काहे की शर्म? जी अजीजा से नहीं, आपसे हमें शर्म आती है। तो लो, हम अपना चेहरा उधर किए लेते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। ए विमला, बेगम साहिबा के लिए 8 नंबर की फर्शे मखमली मोजड़ी मेरे महबूब लाओ। हाँ, ऐसी मोजड़ी तो सिर्फ ईरान में मिलती है। ईरान में तो हमारी बड़ी आपा जान भी रहती हैं। किस जगह पर रहती हैं? जी भिंडी बाजार में। भिंडी बाजार? लाहौल मिला, अरे बेगम आप इतना भी नहीं जानती कि भिंडी बाजार ईरान में नहीं है, पेरिस में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है नवाब साहब कि आप पेरिस के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। नहीं अजीजा, यूं कहो कि पेरिस का चप्पा चप्पा हमसे वाकिफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंटी चाय दिख रहा, बिना शक्कर का है? नहीं। अरे आंटी, तुम्हारी चाय में शक्कर का कोई चक्कर नहीं,
बिंदास भेजा। थैंक यू आंटी, मेरे महबूब वार्ड नंबर। चाहे एक नंबर। आज सुबह से नजर ही नहीं आया, कहाँ चला गया था सिकादर? उस्ताद कादर अपने फादर से मिलने दादर चला गया था, इसलिए देर हो गई। चाय पियो उस्ताद, बहुत फर्स्ट क्लास बना ले। अच्छा, ओफो, मेरी चाय में तो इतना मीठा क्यों डाल देता है उस्ताद? गिराक देख के मीठा डाला जाता है ना। मैं तुझे मीठी लगती हूँ? नहीं उस्ताद, मीठी नहीं, नमकीन। लुच्चा छोकरा। खाने में कितनी देर है प्रकाश की माँ? रोटियां बना ली है, दाल और सब्जी में थोड़ी सी देर है। अरे तू आ गई बेटी? हाँ। अरे आज इतनी देर कैसे लगा दी? बस मिलने में देर हो गई माँ। ये लो 100 रुपया ज्यादा है, तरक्की मिल गई है। अरे वाह। पिताजी ये लीजिए आपके लिए। क्या बेटी? ब्रेवोन, आपको सांस की तकलीफ रहती है ना? कितना खर्च कर दिया तूने, मैंने कितने कहा है? आपको इससे क्या मतलब? तू कितना ख्याल रखती मेरा है? जितना आप मेरा ख्याल रखते हैं उसे थोड़ा सा कम। ले बेटी, इस अलमारी में रख दे। अच्छा माँ। छोटी सी उम्र में कितना बोझ उठाना पड़ता है बेचारी को। पशुपतिनाथ, दीदा जी कैसे आप? आओ आओ भाग आओ। देखो गीता मेरे लिए क्या लाई है। क्या? सांस की तकलीफ के लिए। अरे राम, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। यारी बम बम महादेव पशुपतिनाथ सब ठीक कर देंगे। राजो एक मैं तेरे लिए लाया हूँ नेपाल का असली घी। ये तुझे किसने दिया? अरे अपना रतन गौरांग मेरा दोस्त, वो नेपाल के शहर गया था तो वहां से लेकर आया। ये ले, तेरे पैसे ले ले। देख बहादुर, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये घर है होटल नहीं, जो तुम हर महीने खाने के 30 रुपये मुझे देते हो, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद नहीं आती। पगले, तू मेरी बहन है और बहन के घर भाई जो खाते है ना उसको प्रभु कहते हैं, और जो ससुराल में रहने वाले जवाई को प्रभु कहते हैं। इतना बड़ा हो गया लेकिन इसका बचपना नहीं गया। अरे बचपन से मेरे को याद आया, अरे आज सुबह मैं घर की सफाई कर रहा था तो पुराने शब्दों को सुनते क्या निकला, ये फोटो, ये मैं, ये तू और ये तेरे पिताजी। देख कितने छोटे छोटे हम लोग। तू कितने पतले पतले। ये देखो, ये आपका छोटा सा शाला, ये मैं, ये आपकी छोटी सी धर्मपत्नी लाजो, ये आपके ससुर लाला चुनीलाल खन्ना। मैं इनके यहाँ 2 रुपए महीने पर नौकर था और मुझ अनाथ को इन्होंने रखा था नौकर, लेकिन पाला था बेटे के समान। क्या बात थी लाला जी की। अरे लाला याद है ना, ये तुम और मैं और बगीचे में अंगूर चुराने जाया करते थे और जब पकड़े जाते थे तो ऐसी पिटाई होती थी, ऐसी पिटाई होती और थी। एक दिन इतनी मार पड़ी कि मैं डर के मारे घुसल खाने में जाकर छुप गई और तू घर छोड़कर फौज में जाकर भर्ती हो गया। बड़ा होकर मैं देश सेवा में लग गया और तू पति सेवा में। देश सेवा करते हुए तुझे 2 मेडल मिले और पति सेवा करते हुए मुझे भी 2 मेडल मिले। प्रकाश और गीता, तुम दोनों बाप बेटी मुझ बाल ब्रह्मचारी रिटायर्ड सोल्जर को बेवकूफ बनाते हो। बहादुर, तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत है? अरे कितनी बार दोहराओगी ये कहानी? ये नेपाली भाई और हिंदुस्तानी बहन जब बातों के चक्कर में पड़ जाते हैं ना तो नेपाल से पाताल तक पहुंच जाते हैं। तू खाना दे, मुझे नाइट ड्यूटी पर जाना है। जीजा जी, आपने ये ओवर टाइम की मुसीबत क्या बोलने रखी है? रात को 2 बजे आएंगे, सुबह 8 बजे जाना पड़ेगा। बहादुर, जिंदगी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। आपको प्रकाश की पढ़ाई के लिए कर्जा उठाना पड़ा ना, तो वो आएगा, कमाएगा, कर्जा उतार देगा। अरे ओ बहादुर, खाना तैयार है। खाने वाले भी तैयार है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे तुम लोगों ने मुझे बिटू समझ रखा है क्या? ये ले रोटी बस। जीजा जी, अब वो भूख कहाँ, वो हाथ में कहाँ? श्री गणेश करो, हो जाए। बम 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 बम। किशोरी लाल जी, क्या नींद आ रही है? अरे नहीं रे, नींद कैसे आएगी? बेचारे को इस उम्र में भी हर रोज ओवर टाइम करना पड़ता है, मजबूरी है भाई।
अपना माल आज ले जाओ, बाकी कल ले जाना। किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। उठाओ उठाओ। स्मगलिंग का माल फैक्ट्री के स्टोर में रखता था शाप। छापा पड़ता तब लोग पकड़े जाते। इसको पुलिस के हवाले कर दो शाप। नहीं बहादुर, इसको पुलिस के हवाले करने से फैक्ट्री की बदनामी होगी। इस नमक आराम को धक्के देकर फैक्ट्री से बाहर निकाल दो। दलील कमीने, तुझे इसलिए वहां स्टोर कीपर रखवाया था कि माल रखने के लिए इससे बेहतर जगह हमें नहीं मिल सकती थी। लेकिन तेरी लापरवाही से हमारा 5 लाख का नुकसान भी हुआ और एक महफूज जगह हमेशा के लिए हमारे हाथ से जाती रही। अगर वो लोग तुझे पुलिस के हवाले कर देते तो आज छेद मायदास का नाम मटकी में मिल जाता। सरकार जी, हम हमेशा की तरह पूरी एहतियात से माल निकाल रहे थे, मगर ना जाने उल्लू का पट्टा किशोरी लाल कहां से आता। कौन किशोरी लाल? किशोरी लाल जी, बेटे की चिट्ठी विट्ठी तो आती रहती है ना। भगवान की दया से सब ठीक है मेहता जी। ये लीजिए 3 महीने का ब्याज, गिन लीजिए। थैंक यू जी। नमस्ते सेठ साहब। नमस्ते। माफ कीजिए सेठ जी, इस बार ब्याज देने में जरा देर हो गई। बात यह है कि पहले तुम्हारे एक मामूली से मकान पर 60,000 का कर्जा दे रखा है। जब कम से कम ब्याज तो वक्त पर चुका दिया करो। सेठ जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये चोट कैसे लगी? कल रात एक बेईमान के करने का फल मुझे भुगतना पड़ा सेठ जी। मेहता जी, रंजीत आ गया जी? वो अपने कैबिन में है। We'll show you. As soon as the letter of credit is opened, we shall export the goods without any delay, assuring you of our cooperation, etc., etc. Yours sincerely. Hello. Ranjit, zara mere cabin mein aana. Acha daddy. That's all for the time. Mehta ji. Ji. Ranjit to bachcha hai. Lekin itne tajrubakar hokar aapne sab kaise maan liya? Ji wo. Yes daddy. Ranjit. Ji. तुमने राम प्रसाद का ब्याज क्यों माफ कर दिया? वो 6 महीने से बीमार है दादी, उसकी नौकरी भी जाती रही। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसके पास खाने को नहीं है, वो ब्याज कहां से देगा दादी? वो बहुत तकलीफ में। बरखुरदार डॉक्टर और साहूकार के पास लोग हमेशा तकलीफ में ही आते हैं। अगर डॉक्टर अपनी फीस और साहूकार अपना ब्याज लेना छोड़ दे तो दोनों तकलीफ में आ जाएंगे। फिर इस धरती पर इन दीन दुखियों की मदद कौन करेगा? ये मत भूलिए दादी, दीन दुखियों की मदद के लिए इसी धरती पर खैराती अस्पताल भी हैं और दान देने वाले साहूकार भी। ओहो, तुम नहीं समझोगे। इस लेन देन के व्यापार में दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। सुनो, ये डिपार्टमेंट मेरे पास ही रहने दो और तुम अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस संभालो। ओके ओके। भाई राम राम। अरे रंजीत, अरे भाई तुम आजकल किधर रहता है? न क्लब में, न जिमखाना में, ऐसा भी क्या है? बस काम में जरा बिजी था जुमानी। चला इधर आओ, इधर आओ साईं। तुम्हारे लिए एक खास इंपोर्टेड चीज लाया हूं। इसके अंदर देखो क्या है। सो न सो। अरे जिंदगी का मजा लूटो। जुमानी, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। अरे वेजिटेरियन चढ़ियो। अरे जुमानी। हाँ सही, हमें भी दिखाओ क्या तोहफा लाए हो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये आपके लिए नहीं, ये तो रंजीत के लिए लाया था। जरा ऐसे। अरे देखें तो सही क्या चीज है। अरे सही सेठ जी। बड़े बदमाश है जुमानी। साईं गुड न्यूज, आपकी फैक्ट्री का वो सौदा तय हो गया साईं। बैड न्यूज, क्या? शराब के कारखाने में अपना जो माल था वो दुग्गल की बेवकूफी से पकड़ा गया। अरे न साईं न। अरे अच्छा साईं, वो पुलिस पुलिस में हम दोनों का नाम तो नहीं आया ना? उससे तो बच गए झूले लाल, लेकिन अभी किसी दूसरे गोदाम का इंतजाम करना पड़ेगा। अगले हफ्ते जो माल आ रहा है उसे कहाँ रखेंगे? अरे साईं उसको तो रख लेंगे। ये 5 लाख बिल्कुल डूब गया क्या? अरे जुमानी, 5 लाख को भूल जाओ। बड़ा बिजनेस, बड़ा फायदा, बड़ा नुकसान,
अरे वाह सही वाह, क्या दिमाग पाया है बल्लीहारी जाऊं। हेल्थ इज हेल्थ। आज फिर नाराजगी क्यों? आज फिर लेट क्यों? आज तुम्हें टाइम पे आया हूँ। बिल्कुल झूठ, आज भी तुम पूरे 3.5 मिनट लेट आए हो। ओ, तुम्हारी ये बेदर्द घड़ी मुझ पर बड़ा जुल्म ढाती है। और तुम्हारे इंतजार की एक एक घड़ी जो मुझ पर जुल्म ढाती है उसका कौन जिम्मेदार है? गीता जी, इंतजार घड़ियों का ही करना पड़ता है ना, दिनों का तो नहीं। मैं कल आया था, आज आया हूँ, कल फिर आऊंगा, फिर परसों, फिर जी। कल और आज के बीच कितना फासला होता है, कितनी दूरी होती है, ये भी कभी सोचा है तुमने? 24 घंटों की। बुद्धू कहीं के, 24 घंटे नहीं, 1440 मिनट, 86,400 सेकेंड, यानी कि इस पूरे 86,400 बार जब ये बेचारा दिल धड़क कर थक जाता है तब हुजूर के दीदार होते हैं। सच? थोड़ी बात होती है, रह जाती है कितनी छोटी ये मुलाकात होती है, दो दिनों के बीच कितनी लंबी 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 काली 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 रात होती है। आज मिले हो, आज मिले हो, जल्दी मिला करो ना।
पर तू आज हंसे हो पे, कल हंसोगे पे, परसों हंसोगे। जरा जल्दी जल्दी हंसा करो ना जी, जरा जल्दी जल्दी हंसा करो ना, जरा जल्दी जल्दी मिला करो ना जी, जरा जल्दी जल्दी मिला करो ना। रुमानी से मेरा इकलौता बेटा रंजीत और माथुर साहब की इकलौती बेटी, अगर कहीं ये रिश्ता हो जाए तो बस... आप एक ही झटके में करोड़पति से करोड़पति। बस जुबानी, ये काम तुम ही करवा सकते हो यार। अरे साई, माथुर साहब को और उनकी बेबी को लंदन से आने दो तो ये आपका काम जरूर हो जाएगा। मगर सेठ जी, मेरी हेल्थ, आप तो जानते हैं कि वेल्थ इज हेल्थ। जुबानी, दुनिया तो कहती है हेल्थ इज वेल्थ। अरे साईं, किसी बीमार ने बोला होगा। मेरा तो यही कहना है कि बाबा दौलत है तो सेहत है, यही मेरी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ है साईं, निचोड़। वाह वाह वाह, ये हुई ना जबानदानी। तजुर्बे को तजुर्बा, निचोड़ को निचोड़ और कराची को कराची। अंकल, 10 साल हो गए हमारी शादी को, इनका लबो लहजा ठीक करते करते अब तो मेरी शगुफ्ता बयानी में भी लग्जिश आने लगी है। अरे हरी ओम परमात्मा, बाबा इतना गहरा उर्दू, अरे अपनी जबान दानी में थोड़ा पानी मिलाकर बात करो नी, पीछे कुछ समझ में तो आया ना साईं। अंकल, इसी मौके पर मुझसे आप एक शेर सुनिए। इरशाद इरशाद। अरे ये क्या इरशाद करेंगी, ये लोग तो टाइम बर्बाद करने के लिए शायरी करती है। साईं, शायरी मैं करता हूँ बिजनेस में। बिजनेस में शायरी? हाँ। वो कैसे? अरे बाबा, कुछ दिन पहले इनकम टैक्स वालों ने मेरे घर पर रेड डाली। वो पूछने लगे, अरे जुमानी, ये कारपेट, ये सोफा, ये सीलिंग, ये टीवी किधर से आया, इसका कीमत क्या है, इसका रसीद किधर है? मैं घबराया नहीं जाए, मैंने उनको ये शेर इशार कर दिया। आपके आने से पहले याद था सब कुछ मेरे को, आपके आने से पहले याद था सब कुछ मेरे को, याद आएगा सब कुछ मेरे को आपके जाने के बाद। जाजी जाजी, मजा आ गया, बड़ी क्या सेड पर आया। साईं, इस घर में सिवाय मेरी साली के और कोई मेरी पोइट्री नहीं समझ। और दीदी की पोइट्री? अरे तुम्हारे दीदी की और मेरे बीवी की पोइट्री वो खुद नहीं समझती तो दूसरा कोई क्या समझेगा। नहीं साईं, अब दूसरा शेर सुनो। बस करो। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, राखी के बंधन। मेरी राखी भी भैया ने बांधी होगी। पोस्टमैन। पिताजी, भैया की चिट्ठी आई है। प्रकाश की चिट्ठी? कितनी लंबी उम्र है मेरी लाइफ की, अभी याद किया और अभी चिट्ठी आई। और क्या लिखा प्रकाश ने? मेरी प्यारी प्यारी बहन गीता, तुम्हारी भेजी हुई खूबसूरत राखी मिल गई। ये मेरी जिंदगी की पहली राखी है जो तुम अपने हाथ से नहीं बांधोगी। कुछ अजीब सा लग रहा है, आगे पढ़ना। इन दिनों पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है इसलिए चिट्ठी देर से लिख रहा हूँ। पहले पढ़े, पहले पढ़े। हाँ हाँ, ठीक। पिताजी ने बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं लिखी, उनकी सेहत कैसी है? देखा कितनी बार कहा कि चिट्ठी लिखो, लेकिन बेटा का ख्याल हो तभी ना। तभी ना, तभी ना। वक्त नहीं मिला, क्या करूँ। तुम और मेरे बहादुर मामा का क्या हाल चाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। उन्हें कहना उनका दिया हुआ हनुमान चालीसा मैं हर रोज पढ़ता हूँ। जय बजरंगबली। मामा को मेरी तरफ से पाय लागू। जुग जुग जियो मेरा शेर। माँ से कहना वो मेरी चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले हफ्ते मेरे इम्तिहान शुरू होंगे, उम्मीद है मैं पास हो जाऊंगा। पास क्या, तुम अव्वल आओगे मेरे बेटे, तुम्हारी माँ ने संतोषी माँ को पास रखा हुआ है। जय संतोषी माँ, जय संतोषी। मेरी तरफ से सबको प्रणाम, तुम्हारा भाई प्रकाश। प्यारे भैया, तुम्हारे बगैर घर बहुत सुना सुना लगता है। हम सब उस दिन की राह देख रहे हैं जब तुम वापस आओगे। घर भर की आंखें तुम्हारी तरफ लगी हुई हैं। हर हफ्ते एक चिट्ठी जरूर लिखा करो ना, तुम्हारी चिट्ठी आने से आने वाले अच्छे दिन करीब आते महसूस होते हैं। और हाँ, अपनी जाने मन को भी चिट्ठी लिखते हो या नहीं?
अरे अरे अच्छा ये तो बताओ, हमारे होते हुए हमारी गुड़िया का दिल किसने जीत लिया? अरे बाबा तुम्हारी गुड़िया इधर नहीं उधर है, चलो उधर। अब ठीक है, खेलो। बेबी नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। अच्छा ये बताओ, ये चिट्ठी वाला कौन है, किधर रहता है? अमेरिका में। हाँ अमेरिकन है क्या? नहीं, है तो इंडियन, मगर वहाँ पढ़ने गया है। ओ, जब ये अमेरिका से लौटे तो इसको हमारे सामने पेश किया जाए, हम उसका इंटरव्यू लेंगे। काका तुम आगे पार्क कर लो, मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ बोलो सेठ। कानपुर के बूट चाहिए, कोल्हापुर की चप्पल चाहिए, या आगरे के लोफर शू? अरे सेठ, अपन की तरफ क्या देखता है, जूतों की तरफ देखो ना। तुम गीता नहीं हो? गीता? लगता है सेठ तुम धोखा खाएला है, अपन का नाम गीता नहीं, सीता, सीता भूट कर। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। अरे अरे सेठ, सीता बूटकर से रूटकर कहाँ जाता है, इकड़े बसा। फसा? आ, बसा बसा फसा फसा फसा। बोलो तुला काय पाहिजे? अच्छा सा जूता। हाँ हाँ बरा बरा। शक्ल कितनी? चोर मचाए शोर, नौ नंबर। सेठ ये फॉरेन में एक्सपोर्ट होने वाला माल है, फ्लेक्सिबल और रिलैक्सिबल, ये घिस तो सकते हैं मगर फट नहीं सकते। आजकल के प्रेमी लोग जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं ना तो यही बूट पहन के जाते हैं। वो क्यों? इसलिए कि ये आवाज नहीं करते, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है कि कौन किससे मिलने जाता है। ओ। पहन के देखो सेठ। मगर ये जूता तो बहुत खुला है। ए सेठ, तुम्हारा पांव जूते में नहीं, जूते के डिब्बा में है। ओ, ओ, आप जल्दी से एक जोड़ी डिब्बा जूते में बांध दीजिए। आंटी, नौ नंबर चोर मचाए शोर, बिल बना दो। एट रुपीज प्लीज। थैंक यू। अरे सेठ, योर बैलेंस। आंटी, सेठ आउट ऑफ बैलेंस हो ले। पन दिक्री, दिक्रो गना सारो छे। पन आंटी, दिक्रो मारो छे। सु? कैम के? गीता, क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? सीता? सीता? जुड़वा बहन? मेरी? ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? जरा याद करो गीता, तुम्हारी बहन बचपन में तुमसे बिछड़ गई हो, फिल्म सीता और गीता की तरह। मुझे लगता है तुम्हारे होश तुमसे बिछड़ गए हैं। हुजूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ, अपने भैया की एक ही बहन हूँ, और अपने रंजीत की एक ही गीता। अंडरस्टैंड? मगर ये सीता कहाँ से आ टपकी? गीता, तुम्हारे पिताजी का चरित्र, मेरा मतलब है कि चाल चलन तो। यू? बेशरम कहेंगे। अरे सॉरी 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 गीता, यकीन मानो तुम उसे देख लो तो तुम भी अपने आप को भूल जाओ।
उसे देखती है मेरी ज्योति। मैं पूछती हूँ आखिर उस चुड़ैल में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है? अरे क्या बताऊं, तुम बरखा हो तो वो बिजली है, तुम हवा का झोंका हो तो वो आंधी है, तुम स्वीट हो तो वो नमकीन है। नमकीन, आजकल आपको नमकीन चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी हैं। कहा वो जादूगरनी, मैं उसको मुंह नोच लूंगी। अरे अरे अरे, ऐसा नहीं करते डार्लिंग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? आई ना है कि है कातिल के मुकाबिल कातिल, मुझको डर है कहीं लड़ जाए ना कातिल कातिल। सेठ, ये फॉरेन में एक्सपोर्ट होने वाला माल है, फ्लेक्सिबल और रिलैक्सेबल, ये घिस तो सकते हैं मगर फट नहीं सकते। कहा हो जादूगरनी, मैं उसको मुंह नोच लूंगी। आजकल के प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं तो यही बूट पहनते हैं। वो क्यों? इसलिए कि ये आवाज नहीं करते, किसी को काना कान खबर तक नहीं होती कि कौन किससे मिलने जा रहा है। सीता 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 रात में मुझे
मुलाकात में मत नाम ले किसी गैर का मुझे छोड़ दे दिल तोड़ दे मुझे छोड़ दे दिल तोड़ दे तेरा क्या यकीन नहीं नहीं मेरे दिल रुबा मेरे पास आ नहीं नहीं गीता कौन है सीता की बहन और सीता कौन है सीता की बहन ये दोनों कौन है एक दूसरे की बहन बेटा मुझे कुछ तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते मेरी मानो तुम जल्दी से शादी कर डालो
मासी, तुम्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मैंने मालकिन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें पालूंगी, पोसूंगी, शादी होने तक तुम्हारी देखभाल करूंगी और फिर अपने गांव चली जाऊंगी। अब एक वचन मुझे भी दो। क्या? इस बिन माँ के बच्चे के बच्चों को भी पालोगी और जब तक उन सब की शादी नहीं हो जाती उनकी देखभाल भी करोगी। बेशरम कहीं का। मासी, तुम इस घर की नौकरानी नहीं, मेरी माँ की तरह हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं, कभी नहीं जाने दूंगा। हेलो लॉर्ड, मैं गीता कपूर से बात कर सकता हूँ? होल्ड ऑन प्लीज। गीता, तुम्हारा फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं गीता कपूर बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हेलो। Hello, Miss Sita Bootker? Hello, darling. क्या इधर भी तुम्हारा गर्लफ्रेंड होता है? ओ रीता डार्लिंग, हर वक्त शक मत किया करो। मैं अमीर बाप का बेटा हूँ और सब लड़की लोग हमारा फ्रेंड बनने में प्राउड फील करता है। मिस सीता, संडे को हम दोनों की शादी। रीता डार्लिंग लंदन से अपनी शादी के लिए स्पेशल ड्रेस विद सैंडल फैमिली कस्टम के मुताबिक लेकर आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कस्टम वालों ने इनका सारा सामान रोक दिया। हमने व्हाइट ड्रेस तो बनवा लिया है लेकिन व्हाइट मैचिंग सैंडल कहीं नहीं मिला। आप प्लीज हमारा यह प्रॉब्लम दूर कीजिए, नहीं तो हमारी शादी महज एक सैंडल के लिए स्कैंडल बनकर ना रह जाए। प्लीज हेल्प अस। डाली, शादी के बाद हम हनीमून कहाँ मनाएंगे? डार्लिंग, लिवरपूल से लेकर स्विमिंग पूल तक, जहाँ तुम कहो। हाउ स्वीट। यस प्लीज। ब्यूटीफुल, फिट्स ब्यूटीफुली। सीता, यहाँ के जूते सिर्फ ब्यूटीफुली नहीं, मजबूत भी होते हैं। ये खिस तो सकते हैं मगर फट नहीं सकते। शादी मुबारक हो। हाँ, तुम्हारे घर वाले मान गए? मेरे नहीं, रीटा के घर वाले मान गए। रीटा, तुम उसे कैसे जानती हो? रंजीत, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे दो रूप हैं। अरे मिन साहब, हमारे रूप दो हैं लेकिन नाम तो एक है, रंजीत, सिर्फ रंजीत। आपके रूप भी दो हैं और नाम भी दो, गीता और सीता। आपने हमें बनाने के लिए मिस सीता को खड़ा किया और हमने आपको बनाने के लिए मिस रीता को खड़ा किया। इसे कहते हैं नेले पर दहला। अरे, खुद तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गए। इसके साथ ही लड़की कौन है? सेठ जी, ये लड़की लॉज में सेल्स गर्ल का काम करती है। मैं इसे रंजीत बाबू के साथ अक्सर देखता हूँ। बिरजू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो लड़की? बड़े अच्छे घर से, बहुत अमीर है। जी जी, दिल की बहुत अमीर है। क्या करती है? स्टोर में काम करती है।
कौन से स्टोर में? शू स्टोर में। ओ, जूतों की दुकान में। जी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन बेटे शायद तुम एक बात नहीं जानते, जवानी में ऐसा बुखार कई बार चढ़ता है कई बार उतरता है, ऐसे में इंसान की आंखों पर एक पट्टी सी बन जाती है, लेकिन वक्त जब वो पट्टी खोलता है तो इंसान को सिवाय अंधेरे के और कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं डैडी, ये मेरी नजरों का धोखा नहीं, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी सच्चाई। गीता और मैं एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं, हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है, और ये फैसला दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। बस एक एक आपके आशीर्वाद का मौका ढूंढ रहा था, सो वो आपने खुद ही दे दिया। डैडी यू आर ग्रेट। डैडी की जय हो, डैडी की जय हो। क्या बात है, आज डैडी के बड़े गुण गा रहा है। अरे शांतावासी, क्या बताओ, स्टेशन फिट और मामला फिट। जी सेठ जी, गीता नाम की उस लड़की को सेठ जी जूते तशरीफ ले आए हैं, और साथ में जूते वाली भी। सेठ जी नमस्ते। सेठ जी ये कानपुर के जूते हैं, एकदम मजबूत फ्लेक्सिबल रेशम की तरह मुलायम। ये घिस तो सकते हैं सेठ जी, मगर फट नहीं सकते। आपको मालूम है आजकल चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी यही जूते इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, हाँ पुलिस ने भी यही जूते इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। हाँ सेठ जी। और चोरों ने? चोर वो तो कई बरसों से यही जूते पहन रहे हैं। बातों की सौदागर लगती हो। क्या करें सेठ जी, आजकल के ग्राहक सौदे से कहीं ज्यादा बातों में दिलचस्पी लेते हैं। माफ करना सेठ जी, आपने गलती से 6 नंबर के जूते मंगवा लिए हैं, वैसे आपके पांव का नंबर 8 है। कोशिश करके देखो, शायद आ जाए। 8 नंबर के पांव में 6 नंबर का जूता कैसे आ सकता है? अच्छा ये बताओ, क्या 6 नंबर के पांव में 8 नंबर का जूता आ सकता है? सेठ जी कैसी बातें करते हैं आप। इस तरह 6 नंबर के पांव में 8 नंबर का जूता और 8 नंबर के पांव में 6 नंबर का जूता कभी फिट नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह क्या ये मुमकिन है कि एक मामूली सी लड़की इतने बड़े घर की शोभा बन सके? तो क्या ये घर रंजीत आपका? सुना है कि तुम इस घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही हो। माफ करना सेठ जी, ख्वाब देखना मेरी आदत नहीं, मैं हमेशा अपने पांव जमीन पर रखकर चलती हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, इस मामूली लड़की को जलील करने के लिए इतने बड़े सेठ को ये घटिया नाटक रचाने की क्या जरूरत थी? नादान लड़की, किसी को जलील करना हमारी फितरत नहीं। हमने तो महज तुम्हें यहाँ ये महसूस कराने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी जगह सैकड़ों हजारों लोगों के पांव में है, 1 करोड़पति के इकलौते बेटे के दिल में हरगिज नहीं हो सकता। मेरी जगह कहाँ है इसका फैसला करना आपके हाथ में नहीं, आपके इकलौते बेटे के हाथ में है, और उसका फैसला शायद आप सुन चुके हैं। लड़की रहा मेरे काम का सवाल, जिसे आप नफरत करते हैं मैं उसकी पूजा करती हूँ। अगर मेहनत करके रोटी कमाना पाप है तो मुझे इस पाप पर गौरव है, अगर मजदूरी करके पेट पालना गुनाह है तो मुझे इस गुनाह पर नाज है। मेरा और रंजीत का पवित्र प्यार अगर आपकी नजरों में जुर्म है तो मुझे इस जुर्म पर फकर है। बदतमीज लड़की, निकल जा यहां से। अरे जाती हूँ जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात साफ कह देती हूँ, मैं इस आलीशान घर
और सेठ मायादास की बहू कभी नहीं बनूंगी। लेकिन आपकी बहू जरूर बनूंगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप रंजीत के पिता हैं। गेट आउट। और हाँ सेठ जी, आइंदा 8 नंबर के पांव के लिए 6 नंबर का जूता मंगवाने की गलती कभी मत कीजिएगा। कहीं ये 6 और 8 का चक्कर आपको लंबे चक्कर में नहीं डाल दे। कांटा बहुत नुकीला है सेठ जी, और जहरीला भी। इस कांटे को चुभने से पहले ही कुचल दिया जाए।
मत जाए ना पहचानी। तू कोई बदमाश पक्का, मारा मुझको जोर से धक्का। दौड़ेगा बहादुर नहीं छोड़ेगा, बहादुर नहीं छोड़ेगा, बहादुर नहीं छोड़ेगा, बहादुर नहीं छोड़ेगा, बहादुर नहीं करतूत है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हटाओ 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 हटाओ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जंगली जानवर यमधर, दुष्ट कहीं का, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है, न जाने कहां से हमारे पल्ले पड़ गया है। तू पर क्यों नहीं जाता? जंगली हूं ना, तो लोगों के पल्ले पड़ गया हूं। अगर तू हमारे पल्ले नहीं पड़ा होता तो आज इस घर की इज्जत कौन बचाता? तेरा कर्जा तो मैं जिंदगी पर नहीं चुका सकती। कर्जा तो तुमने सब लोगों के सामने चुका दिया, ठीक ही तो किया। आखिर मैं तुम लोगों को लगता ही क्या हूं? ये तो अपने दिल से पूछ पगले। आज तो एक दिन खाना खाने नहीं आया तो मैं पागलों की तरह यहां दौड़ी चली आई। सोच, अगर तेरे हाथों खून हो जाता और तू जिंदगी भर के लिए जेल चला जाता तो फिर मेरा क्या होता, तेरा क्या होता? बोल। बहादुर, सगे भाई बहन का रिश्ता तो एक जन्म का होता है, लेकिन ऐसा लगता है तेरा और मेरा रिश्ता तो जन जन्मांतर का है ना? गीता, आज तुम झील की तरह खामोश क्यों हो? मैं सोच रही हूं अगर मुझे तुमसे कोई छीन ले। हाँ?
ऐसा क्यों सोच रही हो? कल होली के हंगामे में मुझे कुछ गुंडों ने उठा के ले जाने की कोशिश की। क्या, कौन थे वो लोग? पिताजी के दुश्मन, उनसे बदला लेना चाहते थे। कहाँ वो? मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इस बात को आगे बढ़ाने में हमारी बदनामी होगी रंजीत। उस दिन तुम्हारे डैडी के साथ तकरार होगी, कल ही हादसा हो गया, मेरे दिल में डर सा बैठ गया है। रंजीत मुझे अपनी बाहों में ले लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब तो मुझे उन गुंडों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कम से कम तुम्हें मेरी जरूरत का एहसास तो हुआ। कब भेजूं शादी की एप्लीकेशन? बस थोड़े दिनों की बात और है, भैया इम्तिहान पास करके आ रहा है, उसके आते ही मेरी जिम्मेदारी खत्म, फिर तुम्हारी शुरू। खूबसूरत प्रेजेंट है, तुमसे भी ज्यादा। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रकाश, यू आर अपॉइंटेड एज द चीफ केमिकल इंजीनियर एज वेल एज द वर्क्स मैनेजर। थैंक यू सर। इस फैक्ट्री की हिस्ट्री में तुम पहले आदमी हो जिसे ये दोनों जिम्मेदारियां एक साथ सौंपी जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम ऑनर्ड। किशोरीलाल जी, इस कामयाबी का सिरा आपके सर है। थैंक यू सर। ये दिन देखने के लिए आपने जो अंथक मेहनत की है, ये उसी का फल है। आपकी मेहरबानी सर। प्रकाश, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वर्दी फादर। मुबारक हो बेटा। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। एक अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल गया, दूसरी अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मैंने जीजा जी से तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स कर दिया है, कल शाम को ठीक 5 बजे पहुंच जाना। ओके। अरे 5:15 बज गए, रीना बोलती थी, वो लड़का क्या नाम है उसका? प्रकाश। हाँ हाँ प्रकाश, 5 बजे आएगा, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बाबा, आ जाएगा। श्रीमान। मेरा नाम श्रीमान नहीं, बुद्धिमान है। आप कौन? मैं राशनिंग इंस्पेक्टर हनुमान हूँ, राशन कार्ड चेक करने आया हूँ। साहब घर पर हैं? हैं, जाइए। थैंक यू। चले आते हैं राशन कार्ड चेक करने। प्रकाश आ गया जी। अच्छो साई, अच्छो अच्छो अच्छो। अरे मुझे साई, अच्छो। अरे आपके बारे में साई बहुत सुना है, आओ बैठो। प्लीज सिट डाउन, दिस इज माय वाइफ शीला देवी। नमस्ते। प्लीज सिट डाउन, बैठिए। क्या है? खाओ उल्हासनगर का पकोड़ा, कराची का हलवा, ये तो आपने साई थाना से मंगवाया। अरे वीरू मेरा पानी वाली लाओ। नहीं श्रीमान, धन्यवाद, आज मेरा उपवास है। ये ले लो। नहीं नहीं नहीं, आजकल ये सब नहीं चलता। अरे ले लो, ये तो पुराना रिवाज है। पुराने रिवाज सब खत्म हो चुके हैं, आजकल हर डिपार्टमेंट में तब्दीली आ चुकी है, 24 घंटे चौकस रहना पड़ता है। भाई वेरी मॉडर्न बॉय। आपके पास राशन कार्ड है? व्हाट? हाँ जी है। आपके घर में कितने मेंबर हैं? 3 है, एक मैं, एक मेरी बीवी और एक वो। वो? वो कौन? अरे मेरे भोले साईं, अरे वो ही जिसका नाम हमारे राशन कार्ड में से कट कर बहुत जल्दी तुम्हारे राशन कार्ड पर चढ़ने वाला है। श्रीमान लेकिन आप मुझ पर क्यों चढ़ रहे हैं? ओह आई एम वेरी सॉरी। मैं आपके वो से मिलना चाहता हूँ। सबर कीजिए, सबर कीजिए, अभी तैयार होकर आ रही है। तैयार होकर? जी हाँ। आप टालना खूब जानते हैं, ऐसा लगता है आपने राशन कार्ड पर ज्यादा आदमियों के नाम लिखवाए हुए हैं। भाई वो तो लिखवाना पड़ता है, नहीं तो इतने बड़े घर का राशन कैसे पूरा हो। फिर तो मुझे आपकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। प्रकाश, मुझे नहीं पता था कि आप देशद्रोही हैं। अरे तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, तुम तो एकदम घटिया दर्जे का आदमी निकला।
क्या कहा घटिया आदमी, घटिया तो आप है। सुनिए जीजाजी, ये वो राव जी देख ली तुम्हारी पिछन, दो कौड़ी का आदमी मेरे को राशन देता है। संभाल संभाल कर बात करो श्रीमान, कल अपना राशन कार्ड लेकर राशनिंग ऑफिस के वार्ड नंबर 14 में आ जाना, वहाँ आपको पता चलेगा दो कौड़ी का आदमी मैं हूँ या आप। अरे जाओ जाओ चलो। आप तो इतना बोलते कि किसी की सुनते नहीं, ये राशन इंस्पेक्टर था क्या? हाँ सुबह भी आया था लेकिन आप लोग घर पे नहीं थे। गया, हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो गया। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई अगर तुम एक्साइज इंस्पेक्टर है तो दुकान खोल कर सुन लो, मेरे पास परमिट है, मैं दुकान से खरीद कर लाता हूँ, मैं स्केच पीता हूँ। जीजाजी ये प्रकाश है, रियल वन। सुहानी सेठ, मेरे घर आकर आपने मेरा मान बढ़ाया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बेटे के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा। नहीं लाला जी, दुनिया में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ये तो सब संजो की बातें। और पिताई सबसे बड़ी बात तो ये है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे। गले मिलो जी। अरे झूले लाल बेराई पार। गीता तेरे पिताजी कहाँ हैं? बहादुर मामा के साथ गए हैं। कहाँ? भैया की शादी की खुशी में बहादुर मामा ने फैक्ट्री वालों को दावत दी है, वो दोनों वहाँ गए हैं। आज बहादुर के भांजे की शादी हुई है। अभी तेरी शादी नहीं हुई, तेरे भांजे की शादी कैसे हो गई? अरे शादी हुई मेरे बेटे की। डीजे को चलो पहली दफा पिए ना। अरे मेरे साले, ये साली मुझे क्या चढ़ेगी, 1946 30 साल हो गए इसे बोतल में बंद करते हुए। लेकिन मुझे तो नशा है कामयाबी का, जिंदगी का नशा और मजा तो अब आएगा। बहू कमाएगी और बेटा रोटी पका कर। जीजा क्या है, लाभ शराब पक रहे हो? चलो चले, आखिरी गाड़ी छूट गई तो माने जाएंगे। छूट गई तो छूट गई, बाय एयर चलेंगे सेंटा क्रूज एयरपोर्ट। चलो चलो पहले चलो। अच्छा एयरपोर्ट पर मिलेंगे। अरे मरवा दिया जीजा तुमने, अब सारी रात हमें यहाँ स्टेशन पर टक्करें मारनी पड़ेगी और सुबह लाजो बहन मेरी पगड़ी उड़ा देगी। उड़ गई उड़ गई उड़ नहीं गई गई खुल गई खुल गई पगड़ी गुलाबी बन गया बुढ़ा शराबी बन गया बुढ़ा शराबी खुल गई पगड़ी गुलाबी बन गया बुढ़ा शराबी बन गया बुढ़ा शराबी। अरे हो गई खाना खराबी बन गया बुढ़ा शराबी बन गया बुढ़ा शराबी। मर जाऊंगा मैं मारे खुशी के बेटे की शादी मनाएंगे पीके। मर जाऊंगा मैं पिएंगे रोज हम अब काहे का गम पिएंगे रोज हम अब काहे का गम मिल गए
मिल गई। अरे मिल गई ताले की चाबी, फुटका शराबी बन गया फुटका शराब। वाह 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 बेटा वाह। ला बेटा मेरे को दे। थोड़ी सी मदिरा थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी मदिरा थोड़ा सा पानी, पीने से आ गई तुझ पे जवानी। थोड़ी सी मदिरा थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी मदिरा अदे मरवाएगी जूते पड़वाएगी, जीजा मरवाएगी जूते पड़वाएगी मुझको। अरे दे मुझको तेरी कामयाबी, बन गया बुढ़ा शराबी, बन गया बुढ़ा शराबी। एक घूट भी मैं तुझे पीने ना दूंगा, एक घूट भी मैं तुझे पीने ना दूंगा, चैन से मैं तुझे जीने ना दूंगा। अरे एक घूट भी मैं तुझे पीने ना दूंगा, एक घूट भी मैं तुझे। दोनों जिद पे अड़े कौन किसकी सुने, दोनों जिद पे अड़े कौन किसकी सुने। मैं गोरखा मैं गोरखा ते मैं पंजाबी, बन गया बुढ़ा शराबी, बन गया बुढ़ा शराबी। अहे खुल गई पगड़ी गुलाबी, हो गई खाना शराबी, बन गया बुढ़ा शराबी, बन गया बुढ़ा शराबी। बहादुर अपने घर में मरी, अपने घर में चोर गए। चल 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 वापस। सुनिए ये क्या कर रहे हो, तुमने पी रखी है क्या? जी 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 जी, इस उम्र में बस यही कसर बाकी रह गई थी। बहादुर ये सब तुम्हारी शरारत है। हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती तूने मुझे पिलाई। भाग यहाँ से। हाँ कर दूँ बहादुर। चले बहादुर, इस दुनिया में शाला होना भी गुनाह है। शाला कहीं का? अरे बन गया बन गया। कुछ तो शर्म करो, घर में बहू आई। अरे तो क्या हुआ, सास भी तो कभी बहू थी। पिताजी। हाँ बेटे। 10 तारीख तक हमारा 2 लाख का कोटा पूरा हो जाएगा ना? हो जाएगा बेटे।
कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर अगर लीक न कर जाते तो दो दिन पहले हो जाता। तुम फिक्र न करो। गीता, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम्हारे भाई को भी तो अपना फर्ज निभाना चाहिए। कैसा फर्ज? अपनी छोटी बहन के हाथ पीले करके उसे डोली में बिठा के हमारे घर तक पहुंचाने का। मगर हुजूर, शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपके अब्बा हुजूर तो हमें रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन मोहतरमा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके अब्बा हुजूर हमें जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। बस आप एक बार हमारी पब्लिसिटी जमा के हमें उनके सामने पेश कर दीजिए। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने शरीके जिंदगी का अपने अब्बा हुजूर से मैं भला कैसे जिक्र कर सकती हूँ? तो मोहित शर्मा, आप अपने भाई जान की शरीके जिंदगी का फायदा उठाइए। भाभी, गुड आइडिया। लोग बेटे को बहुत समझते, लेकिन एक तू है जिसने हमारी आखिरी चिंता भी दूर कर दी। बेटी कौन है भगवान, उसे घर बुला। हाँ हाँ, देखो देखो, परसों शाम को आ रहा है। अरे शर्मा नहीं है। देख पाए, आज मैं बहू वाली बन गई, कल पोते पोतियां वाली भी बन जाऊंगी। मगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? वही कि तुम अपनी शादी पर मुझे बनारसी साड़ी लाके दोगे। मुझे तो लगता तुम दोनों के नसीब ठंडे हैं, न इसे नेपाली जोरू मिलने वाली है न तुम्हें बनारसी साड़ी। देखो जीजा जी, मुझे ताव मत दीजिए, अगर चाहूं तो आज शादी कर सकता हूं। तो पर क्यों नहीं करते? सोचो कि मेरे जोड़ की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सी कन्याकुमारी बैठी है। और रही साड़ी की बात, तो अगली दिवाली तक अगर मैं अपनी बहन को बनारसी साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाकर आपके साथ ना खड़ा कर दूं तो मेरा नाम भी बजरंग बहादुर नहीं है। क्या है बजरंग? जय बजरंग बली कंपनी। लो घर में कोई नौकर नहीं है क्या? रीना, महीने में एक बार तो इस किटी पार्टी का दिन आता है जिसका हम लोग सब बेचैनी से इंतजार करते हैं। ये खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे। लेकिन रीना, बुरा नहीं मानना, यहाँ तो कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। अब अगर तुम्हारी बारी आए तो अपनी दीदी के यहाँ पार्टी करना, नहीं तो फिर हॉलीडे। ओके 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 मैम साहब, चलिए पता फेंक चलो। रीना चलो 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 चलो, चाय वाय पियोगी? अरे पापा चाय आ रही है, तुम तो सब लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हो। गीता। हाँ माँ। इसे ले जा, तब तक मैं चाय तैयार करती हूँ। अब मुझे ही देखो, डोली आई ससुराल में, खाना खाया होटल के डाइनिंग हॉल में, और सुहागरात मनाई ताज महल में। बिल्कुल ठीक है, भला शादी के बाद सास ससुर के साथ रहने में क्या सुख है, और फिर बूढ़ों के साथ रह के तो जवान भी बूढ़े हो जाते हैं। रीना, प्रकाश की तो बहुत टॉप पोजीशन है, मेरी मानो तो किसी कोठी या बंगले में जाकर रहो। बुरा ना माने तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रीना, ये क्या चीज है? ये गीता है, मेरी बहन। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, अपनी सहेली को ऐसी पट्टी पढ़ाना आपको शोभा नहीं देता। रीना, हमें यहाँ पर बेइज्जत करवाने के लिए बुलाया था। देखिए, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की। शट अप एंड गेट लॉस्ट। यू शट अप एंड गेट लॉस्ट। दिस इज आवर हाउस, नॉट ए क्लब। गीता, रीना, बहुत बहुत शुक्रिया, जो खातिर तुमने हमारी की है इसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलो कमर, कम ऑन रूपा, सुनो तो रूपा।
आई एम सॉरी भाभी। आई एम सॉरी डॉली, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं गीता को समझा दूंगा। तुम गीता को तो समझा दोगे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को कौन समझाएगा? अब वो लोग इस घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। जिस सारी सोशल लाइफ का सत्यानाश हो गया। प्रकाश, क्या हमें सारी उम्र अब इसी घर में रहना पड़ेगा? दिल छोटा ना करो मेरी जान, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हेलो डॉक्टर साहब। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर प्रकाश, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तुम बाप बनने वाले हो। रियली? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। बेटे, हम कितने खुशनसीब हैं, तुम्हें कितनी बड़ी नौकरी मिली, इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी हुई, अब घर में एक नया मेहमान आने वाला है। बस बेटे, कर्ज का बोझ सर पर चढ़ा हुआ है, उसे किसी तरह उतार कर ये मकान छुड़ा लो। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मकान का कर्ज हम क्यों चुकाएं प्रकाश? जिन्होंने उठाया है वो खुद ही चुकाएं। आज कर्जा चुकाने को कह रहे हैं, कल गीता की शादी का बोझ भी हम पर ही डाल देंगे। रीना, आखिर वो मेरे माँ बाप हैं। देखो प्रकाश, एक बात मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, इन सब झंझटों में मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी, समझे? थैंक यू, कम अगेन, यू आर वेलकम। सैंडल, ओवर देयर गर्ल। गीता, माली तुम यहाँ? हाँ, मैं यही काम करती हूँ। मुबारक हो रीना, भाई तुमने तो हमें ये बात बताई नहीं कि तुम्हारी चहती ननन इतनी ऊंची और बढ़िया नौकरी करती है। मैं तो अजीब भर के शॉपिंग करूंगी, कम से कम इसी बहाने 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आपको 1% भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस दुकान में रेट्स कम ज्यादा नहीं होते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप दिवाली की ग्रैंड सेल पर तशरीफ ले आइए। वाह, भाभी तो शर्म से पानी पानी हो रही है, और ये बेशरम तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर हो। डिग्री? तो क्या डिप्टी कमिश्नर को 4 हाथ होते हैं? जैसे वो मेहनत और मजदूरी से अपनी रोटी कमाता है, वैसे हम लोग भी मेहनत और मजदूरी से हमारी रोटी कमाते हैं। दिग्रा, एम नहीं बोले हाँ? आंटी, मेहनत मजदूरी की बात तुम इन तितलियों से कर रही हो, ये दो लफ्ज तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मेहनत मजदूरी तो इनके घर वाले करते हैं बेचारे, ये तो सिर्फ उनके खून पसीने की कमाई को बर्बाद करना जानती हैं। शट अप! गीता, अपनी जबान को लगाम दो। लगाम की मुझे नहीं भाभी, मॉडर्न सोसाइटी की इन बेलगाम घोड़ियों की जरूरत है, जिनका जिधर जी चाहता है चल देती हैं, जो मुंह में आता है बक देती। गीता, इन्हें तो इतना भी नहीं मालूम है कि इनके बच्चे कौन से स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ ताश के पत्ते और रम्मी के नंबर गिनना जानती हैं, वो भी झूठे। शर्मा, खबरदार जो हमारी दुकान में गड़बड़ की लिस्ट आउट यू गो। ओह यू एंड यू टू आज भाभी, मैं तुमसे विनती करती हूँ इनकी सोसाइटी छोड़ दो। सवा सात बजने को आया, अभी तक आया ही नहीं। आता ही होगा, देखो देखो बात रुको देखो। अरे अभी से खाना शुरू कर दिया तुमने? तो चक्के देख रहा था। अरे चक्के सब खत्म मत कर देना। बलखुर्रा का नाम क्या है? रंजीत। जोरदार नाम है। प्रकाश आ गया। हमारे होने वाले जीजा जी तो नहीं है ना? थैंक गॉड। पिताजी मैं तो समझा कि मैं लेट हो गया। माँ, रीना कहाँ? ऊपर कमरे में। अच्छा अच्छा, आओ आओ। गीता देखो ना, मेरी सैंडल टूट गई है, कल सुबह जब तुम काम पे जाओ तो इसे बना लाना, और ऐसी ही एक जोड़ी सैंडल मेरे लिए और ले आना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी चहेती बहन लोगों को जूते पहनाने और उतारने का काम करती है? मगर बहू नौकरी करने कोई बात तो नहीं?
जी नहीं, हर ऐरे गैरे के पाँव में बैठकर अपने घर, अपने माँ बाप, अपने भाई की इज्जत को जूते तले कुचलना बहुत बड़ा पुण्य है। आज अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर अपनी सहेलियों के सामने में पानी पानी हो गई। सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ऐसी घर की बहू बनने से तो अच्छा था कि मैं जहर खा के मर जाती। विश्व पवित्र घर के माथे पर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ, एक देवी का अपमान मत करो। गीता ने जो बलिदान किया है उसका अंदाज तुम नहीं लगा सकती। बलिदान? हाँ बलिदान, ये गीता ही थी जिसने अपनी पढ़ाई छोड़कर 500 रुपए महीने की नौकरी की ताकि प्रकाश की पढ़ाई में रुकावट ना आए। मामा, ये इसी की मेहनत का फल है, ये उन्हीं जूतों का प्रताप है कि प्रकाश इतना बड़ा ऑफिसर है और आज तुम इतने बड़े ऑफिसर की इतनी बड़ी बीवी बनी बैठी हो। बदतमीज, मामा, तुम कौन होते हो हमारे घर की बात में दखल देने वाले? चले जाओ यहाँ से। ये घर है या पागल खाना, किसी को बात करने की तमीज नहीं। बाहर के घटिया लोग आकर घर की औरतों को आंखें दिखाते हैं। प्रकाश, प्रकाश अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। रीना, छोड़ दो मुझे। भाभी, जो कुछ भी हो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रीना, रीना! मुझे माफ कर दो, मुझे समझा कर थक गया। उसने यहां ना आने की जिद पकड़ ली। मुझे वहां ले चलो बेटा, मैं उसके पांव पकड़ कर मना लूंगी। कोई फायदा नहीं मां, मैं रीना को अच्छी तरह जानता हूं, वो यहां नहीं आएगी। तो बेटे इसका हल क्या निकलेगा? पिताजी आप तो जानते हैं कि कंपनी की तरफ से मुझे बंगलो मिल सकता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां शिफ्ट कर जाऊं। प्रकाश, तुम हमसे अलग हो जाना चाहते हो बेटे, ये तुमने कैसे सोचा? ऐसा कभी नहीं करना भैया, इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम सबने जो सपने देखे थे वो टूट जाएंगे, ये घर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या मैं अपना घर बर्बाद कर लूं? प्रकाश, प्रकाश ठीक करा गीता। बेटा तुम्हें वही करना चाहिए जिससे तुम और बहू सुखी रहो, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। बागवाने आग दीजे वाशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मुझे और मजबूर मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भूल जाओ वो सपने जो हमने कभी देखे थे। मेरे माँ बाप का दिल टूट चुका है, इस वक्त उन्हें बेटे की जरूरत है और वो बेटा सिर्फ मैं ही बन सकती हूँ। हम दोनों एक साथ मिलकर भी तो इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। नहीं रंजीत, मैं तुम्हारे रास्ते में खुशियां बिखेरना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आना चाहती हूँ। तुम पर बोझ बनकर अपने प्यार का अपमान नहीं कर सकती। गीता, एक दूसरे का दुख बांटने से प्यार का अपमान नहीं होता, बल्कि जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ही गाड़ी के दो पहियों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता है। रंजीत, मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह जानती हूँ,
अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो शादी के बाद बेटी के घर का पानी भी उनके लिए जहर बन जाएगा। वो बेसहारा हो जाएंगे और मैं बट जाऊंगी। ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की। रंजी, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। पिताजी नौकरी से रिटायर होने वाले हैं, मकान गिरवी पड़ा है और सर पर कर्जे का पहाड़ है। पिछोरिया का कर्जा माफ कर दो। जी डैडी। तुम उसे कैसे जानते? जी वो गीता किशोरी लाल जी की बेटी है। वही गीता किशोरी लाल की लड़की? जी हाँ। ओ समझा, तो तुम अपने प्यार की कीमत अदा करना चाहते हो, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? गो अहेड। नहीं डैडी, आप गलत समझ रहे हैं। वो लोग मुसीबत में हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। अरे ये तो और भी अच्छा है, इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। लेकिन बेटे, अपना घर जलाकर दूसरों के घर में रोशनी करना, ये कहां की अकलमंदी है? रंजीत, जिंदगी नाम है लेने और देने का। तुम उनका कर्जा माफ कर दो और मैं माथुर साहब को खुशखबरी भेज देता हूं कि रंजीत देवी से मिलने आ रहा है। मान गए डैडी, सौदेबाजी में आपका जवाब नहीं। और तो और, बेटे की खुशियां और जज्बात भी दौलत के तराजू में तोल डाले। साहेबजादे, मत भूलो कि दुनिया में हर चीज दौलत के तराजू में तुलती है। इज्जत, धर्म, मान, मर्यादा सब दौलत के गुलाम है। आप में और मुझ में यही तो फर्क है डैडी। आप दौलत के गुलाम हैं, मैं इंसानियत का। कौन सी इंसानियत जो किसी वक्त भी चंद सिक्कों के अवज खरीदी जा सकती है? नहीं डैडी, इंसानियत किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। हाँ, कुछ बदकिस्मत लोग इसे बेच जरूर देते हैं। रंजीत, माफ कीजिएगा डैडी, दुनिया औलाद को अपनी दौलत समझती है, मगर अफसोस आप दौलत को अपनी औलाद समझते हैं। बेशक दौलत ही मेरी औलाद है, जो तुमसे ज्यादा फरमाबरदार और तुमसे ज्यादा वफादार है। तो फिर मुबारक हो आपको ये कागजी औलाद। इस सोने के पिंजरे में मैं अब और कैद नहीं रह सकता। माफ कीजिए सेठ जी, मैं इस घर की नौकरानी सही, मगर ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। हट जाओ। मैं जा रहा हूं, मगर इतना कह जाता हूं, जब आपके ये फरमा बरदार और वफादार बेटे आपको धोखा देके चले जाएं, तो इस बदतमीज और नालायक बेटे को याद कर लीजिएगा। तुम कहां जा रही हो? मैं अपनी दौलत के साथ जा रही हूं सेठ जी। दादा बन गए और मैं मोसा बन गया। जी मुबारक हो, बजरंग बहादुर नाना बन गया नाना। ओ साईं, तमा के भी बधाई हूं। झूले लाल झूले लाल। किशोरी लाल जी, अगर आप मेरे लिए सब कर दें तो मैं आपका सारा कर्जा माफ कर सकता हूँ। सेठ जी, आपसे ज्यादा तो मैं अपनी बेटी का कर्जदार हूँ। आप नहीं जानते उसने अपने बाप का कहां कहां हाथ बटाया है। मुझे माफ कीजिए सेठ जी, मेरी जान भी चली जाए मैं अपनी बेटी के खुशियों के बीच कभी नहीं आऊंगा। यह आपका आखिरी फैसला है? सेठ जी, मैं तो आपसे भी हाथ जोड़कर कहूंगा कि उन दो मासूम दिलों के बीच दीवार न बनिए। किशोरी लाल जी, मैंने आपको यहां नसीहत करने के लिए नहीं बुलाया। ये नसीहत नहीं सेठ जी, मेरी विनती है। इसका अंजाम जानते हो? जानता हूं सेठ जी, बेटी का कर्ज चुकाने से पहले मुझे आपका कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो
सेठ मायादास जी की चाल को मारो गोली। असल बात यह है कि ये रुपया प्रकाश के लिए उठाया गया था, उसे ही चुकाना चाहिए। बहादुर ठीक कह रहा है, तुम उसे साफ साफ बात क्यों नहीं करते? कई बार तो बात कर चुका हूँ, क्या तुम चाहते हो कि लड़के से भीख मांगू? भीख मैं नहीं मांगूंगा। आप घबराइए नहीं जीजा जी, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। बहादुर मामा तुम यहाँ कैसे? मैं तो ऑफिस आ ही रहा था। बात घर की दिशा, इसलिए घर ही में आना पड़ा। अरे रामू रुक जा। बोलो क्या बात है? तब से आप अलग रहने लगे हैं, उस घर की रौनक ही चली गई। महीनों से वहां किसी को हंसते हुए नहीं देखा, और वो सेठ भी अपने पैसे वापस मांग रहा है। साहब आपके माँ बाप ने ऐसा कौन सा पाप किया है तो आप उनको इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? आप अपने फर्ज से आके क्यों चुरा रहे हैं साहब? तुम कौन होते हो हमें हमारा फर्ज याद दिलाने वाले? अगर उस घर वालों ने तुम्हें मुंह लगा रखा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम हमारे सर पे भी सवार हो जाओ। बहू? बहू? किसकी बहू? ज़बान खोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम किससे बातें कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है। ये मत भूलो कि तुम उस फैक्ट्री में एक मामूली चौकीदार हो जिस फैक्ट्री के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। अगर मेरी नौकरी हमारे रिश्ते के बीच आ रही है तो ये रही नौकरी। अब एक चौकीदार नहीं, एक मामा अपने भांजे से पूछता है कि कहां गई तेरी गैरत, कहां गया तेरा प्यार, एक औरत की खातिर अपने देवता स्वरूप माँ बाप को भूल गया जोरू के गुलाम। बहादुर तमीज से बात करो। मत तमीज, मुझे तमीज सिखाता है। जंगली वैशी, तेरी ये हिम्मत? रामू जगो, निकाल दो इस जानवर को धक्के मार के बाहर। याद रख प्रकाश, तूने अपने माँ बाप को दुख दिया है, अपनी देवी जैसी बहन का दिल दुखाया है, तू भी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाएगा। रामू अब क्या होगा बहादुर? घबराओ नहीं लाजो, मैं गांव जाकर अपनी जमीन बेचकर आता हूँ। अरे पगले, इतनी सी जमीन बेचकर क्या ये समस्या हल हो जाएगी? कुछ तो बोझ हल्का होगा ना। बहादुर तू इस घर के लिए कितना कुछ करेगा? लाजो इस घर के लिए मेरी चमड़ी भी काम आ जाए ना तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। पगले इस दुनिया में मैं और है ही कौन? अच्छा मैं जाता हूँ। गीता दीदी लो चाय पी लो। क्या लिख रही हो बेटी? एक बहुत बड़ी नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं मुझे। अगर ये नौकरी मिल गई ना तो हमारे घर के सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हौसला रखो बेटी, भगवान सब ठीक कर देंगे। आपको सुनकर ये खुशी होगी कि आपके श्री रंजीत कुमार को 5-star होटल में 500 रुपीज अ मंथ की शानदार नौकरी मिल गई। बोलिए साहब क्या लेंगे आप? चिकन टिक्का, चिकन कबाब, चाय कॉफी, लेमन लिमका? गीता तुम्हें खुशी नहीं हुई? रंजीत मेरी वजह से तुम कहां से कहां आ गए। तुमने सच कहा गीता, तुम्हारी वजह से मैं एक झूठी और बनावटी दुनिया छोड़कर असली तो सच्चाई की दुनिया में आ गया हूं। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तेरा बेटा 100 साल जिए, फूले और फले। अरे मुन्ने तू आ गया?
आजा 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 रोते नहीं हाय लाला मेरे मुन्ने के। आज साहिब के जन्मदिन की पार्टी एक बहुत बड़े होटल में मनाई जा रही है, आप सबको बुलाया है। वाह मेरे बेटे, गौरी की तरह मुझे भी कार्ड भेज दिया, खुद नहीं आया। तू चले जाना बेटी, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, आज खुशी के दिन पर अगर हम में से कोई भी नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, तू चली जा। हाँ चली जा, ला जा मुन्ने को जरा ला। देखो 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 कौन है। अरे मेरे मुन्ने, अरे वारे मेरे मुन्ने। ओ हाय रूपा, नमस्ते, आइए आओ। प्रकाश, ये मेरी फ्रेंड रूपा है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी शानदार पार्टी, मजा आ गया। अरे साईं, अभी पहले बैठो नहीं, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, पिछू पार्टी का मजा आएंगे। भाई एक्सक्यूज मी। भाई रंजीत, तुम इस होटल में काम करते हो? जी जवान से। मेरी बात मानो, गुस्सा छोड़ दो, घर चले चलो। आप क्या लेंगे जुहानी से? What would you like to order, sir? शर्म नहीं आती तुम्हें? What would you like to order, sir? पढ़ाओ जाए यहाँ से। आप क्या लेंगे सेठ जी? दो नींबू पानी। Thank you, sir. थैंक यू। पुरी साहब के लड़के हैं। ओ मैं मटुंगा वाले भैया। अरे गीता, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते भाभी। ओ महाजन साहब, आइए 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 आइए। थैंक यू वेरी मच। अरे गीता, अरे भाई इधर आओ नी, आओ आओ। कैसे हैं मिस्टर जुहानी? फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास। सेठी, ये है मिस गीता, अपने प्रकाश की बहन, वेरी नाइस गर्ल। और मिस गीता, आप हैं सेठ मायादास जी। नमस्ते। गीता, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, आप। नहीं रंजीत, मैं चलती हूँ। पागल मत बनो, आज तुम मेरी मेहमान हो, आओ। मैडम, क्या पियेंगी आप? रीना, ये क्या चीज है? तुझे नहीं मालूम? भाई वाह, जोड़ी खूब जमेगी। एक जूतियां बेचती है, दूसरा रोटियां बेचता है। वन कोको कोला, जल्दी। यस मैम। रीना, प्रेजेंट्स तो सबने दिए, कमाओ बहन ने अपने भाई को क्या दिया? शर्मिंदगी का पसीना पोछने के लिए चंद रुमाल। अरे भाई, इसमें हंसने की क्या बात है, और लाती भी क्या, बेचारी गरीब है। तुम हो अपनों पापना कह नहीं सकते।
तरह की छोकरी ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मुझे एक पागल बना दिया। अब मैं भी उसे पागल बनाकर छोड़ूंगा। मगर वो कैसे सेठ जी? किसी तरह भी ये इंजेक्शन उसे लगा दो। इसके लगते ही वो पागलों की तरह सड़कों पर घूमती फिरेगी, भटकती फिरेगी, ना जिंदों में रहेगी ना मुर्दों में। ये लो। मैं सब समझ गया सेठ जी। आप गीता बोल रही हैं? रंजीत का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो नेशनल पार्क रोड पर बेहोश पड़ा है। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? रंजीत का नेशनल पार्क रोड पर एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड। चलो तुम अकेली मत जाओ। छोकरियों तुम सब लोग साथ में जाओ। लो जूली ये मेरा चाबी लो। कम ऑन कम ऑन हरी अप गर्ल्स गो विद अस। ओह माय गॉड। Yes. जिसके लिए तड़प कर तुम यहाँ तक आई हो अब वो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तड़पेगा। गुड इवनिंग। तुम कहाँ से आए? मैं कहाँ से आया? हाँ, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था? हाँ। लग गया इंजेक्शन। लग गया? इधर लग गया, इधर लग गया। क्या कहता? अपने मालकों को मालता है। ए बोला नौटी हो गया है। बिजू, 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 क्या बिजू? क्या हुआ तुम्हें? बिजू है? क्या होगा तुम्हें? क्या बताऊं बहन जी, सेठ जी ने कहा है अगर परसों तक रकम नहीं लौटाई गई तो उन्हें ये मकान मजबूरन नीलाम करवाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, बस 15,000 रुपए। ब्यूटीफुल। कौन?
माँ तुम मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आई हो। आओ आओ आओ। माँ तुम उस दिन पार्टी में क्यों नहीं आई? बड़ी शानदार पार्टी थी। गीता ने तुमको बताया होगा। माँ पिताजी कहाँ हैं? दो तीन दिन से फैक्ट्री में भी नजर नहीं आए। प्रकाश बेटे मैं तुझसे अपने सुहाग की भीख मांगने आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तेरे पिता जिंदगी की लड़ाई से थक हार कर बीमार पड़ गए हैं। अगर परसों तक कर्जा नहीं चुकाया गया तो मकान नीलाम हो जाएगा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर और कुछ नहीं कर सकता तो मुझे उधार ही दे दे। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करके तेरा एक एक पैसा चुका दूंगी बेटे, एक एक पैसा चुका दूंगी। कैसी बातें कर रही हो माँ, हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा। माँ जी हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? मैं ठीक कह रही हूँ माँ जी, वो मकान हम सबके लिए एक मुसीबत बन गया है। उसे बेच देने से कर्ज भी उतर जाएगा और आप लोगों के पास कुछ रुपए भी बच जाएंगे। हाँ माँ रीना ठीक कह रही है। शाबाश बेटी, माँ बाप की बरसों की चिंता तूने एक ही पल में दूर कर दी। क्यों रे आज तो उस मकान को बेचने के लिए कह रहा है जिसकी एक एक ईंट में तुम्हारे पिताजी का खून पसीना मिला हुआ है, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा बचपन बीता, तुम जवान हुए, उस मकान को बेचने के लिए कह रहा है जिस मकान के कंधों ने तुम्हारी पढ़ाई का सारा बोझ उठाया। पढ़ाई 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 ये सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। माँ जी आपने इन्हें पढ़ाया लिखाया तो कौन सा एहसान किया या ऐसी कौन सी नई बात करती? दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ नहीं करता? हम भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ये मत भूलिए माँ जी कि औलाद के लिए सब कुछ करना माँ बाप का फर्ज है, लेकिन उनसे किसी किस्म की उम्मीद रखना ये माँ बाप का अधिकार नहीं। तुम ठीक कह रही हो बहू, मैं गवार अनपढ़ इन बातों को नहीं समझ सकी, इसलिए तुम लोगों के आगे झोली फैलाई चली आई। मुझे माफ कर देना बेटे, भगवान भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। माँ जी हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? वो मकान हम सबके लिए एक मुसीबत बन गया है। हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? हम उस पुराने मकान को बेच क्यों नहीं देते? जल्दी से पट्टी खोलिए डॉक्टर साहब, अब मैं इस अंधेरे से घबरा गई हूं, बहुत दिनों से किसी को देखा नहीं है ना। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता डॉक्टर साहब। देखने की कोशिश कीजिए। कुछ भी तो नहीं दिखाई देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे कुछ नजर नहीं आता डॉक्टर साहब, कुछ नजर नहीं आता। डॉक्टर मुझे अफसोस है कि इनकी आंखों की रोशनी जाती रही। माँ ये सब क्या हो गया? होने को कौन टाल सकता है बेटी, ये मुझे भागन के कर्मों का फल होगा जो मेरे सामने आया। प्रकाश के पिता मुझे अपने घर ले चलो, यहां मेरा जी नहीं लगता। माँ
वो घर अब हमारा नहीं रहा। गीता, चलो अच्छा हुआ। प्रकाश बेटे, अब तुम्हारी ये चिंता भी दूर हो गई। चुप क्यों हो बेटे, कुछ तो बोल। अब तो आंख की शर्म का सवाल भी पैदा नहीं होता। प्रकाश, मेरा तो जीना हराम हो गया है। जिस मुसीबत से छुटकारा पाकर हम लोग इस बंगले में आए थे, तुम फिर उन्हें यहाँ उठा लाए। रीना, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं पूछती हूँ, आखिर ये मुसीबत कब तक हमारे गले बंधी रहेगी? मुन्ना, ओ मुन्ना, मुन्ना, अरे क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं बहू। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा कि आप अपने कमरे में बैठा कीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आता आप यहाँ क्या लेने आती हैं। मैं भाभी ठीक है थी। माँ, तुम्हारे यहाँ क्या काम है? कितनी कीमती चीज तोड़ दी। सॉरी भाभी, चलो। माँ जो ये साफ करो। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने भाभी के सामने तुम्हें बुरा भला कहा, मगर मैं क्या करती, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं देती। कोई बात नहीं बेटी। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं पिताजी, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। अच्छी खबर? मजाक करती बेटी। मजाक नहीं पिताजी, ये सच है। ये देखे ना, मुझे एयर फ्रांस में एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई है और मैं ट्रेनिंग के लिए कल ही पेरिस जा रही हूँ। पेरिस? हाँ बेटी, प्रकाश तो इस घर में रहकर भी हमसे बहुत दूर है, और तू भी इतनी दूर जाएगी? अरे माँ, 3 हफ्तों की तो बात है, फिर वापस आते ही 1,500 तनख्वाह और रहने को नया मकान, मजा आ जाएगा। सुन बेटी। बेटी नहीं, बेटा। मुन्ने राजा, तुम घबराओ नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारी आंटी तुम्हें लंदन, पेरिस, रोम, टोक्यो, बैंकॉक सब जगह घुमाएगी। हाँ। भैया, भाभी, मैं जा रही हूँ। मेरी आपसे ही विनती है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, माँ और पिताजी को बोझ समझ कर नहीं, मेरी अमानत समझ कर रखना। विदेश का पहला सफर मुबारक हो गीता। थैंक यू। क्या बात गीता, तुम कुछ खोई खोई सी नजर आ रही हो। रंजीत, माँ और पिताजी का ख्याल रखना। अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। आओ। पिताजी, जब आपको सांस की बीमारी है तो मुन्नी को अपने पास क्यों बिठाते हैं? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? रीना, इंसान को इंसान समझो, इतना घमंड ना करो। अगर इतनी हमदर्दी है तो ले जाओ इन्हें अपने बाप के बंगले पर। रीना! लेकिन तुम इन्हें वहाँ कैसे ले जा सकते हो? वहाँ से तो तुम खुद धक्के मार के निकाल दिए गए हो। बेटा, माफ कर दो बेटा, हमारी वजह से तुम्हें बुरा भला सुनना पड़ा, अब तुम यहाँ मत आया करो, हमें अपने हालत पर छोड़ दो। हाँ बेटे, हमारे नसीब ही ऐसे हैं। अब तो ये नसीब बदलने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े।
सुनो, नए सौदे में 20 लाख का फायदा हुआ है, अपने हिस्से के 10 लाख ले जाओ। अरे साईं डरी रहने दो, ये भी अपना ही घर है। अरे 2 नंबर का माल है, ऊपर से इमरजेंसी चल रही है, किसी वक्त भी रेड पड़ गई तो। अरे साईं शुभ शुभ बोलो, शरीफ आदमियों के घर में भी कभी रेड पड़ी? Madas, please open this. क्या रेड पड़ गया? 20 लाख रुपया? क्या हुआ? अरे मैं मर गया डार्लिंग। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा 10 लाख रुपया चला गया। मिस्टर रंजीत, ये पहला मौका है कि एक बेटे ने अपने देशद्रोही बाप की काली दौलत पकड़वाने में कानून की मदद की है। आज मुल्क को तुम्हारे जैसे ईमानदार और सच्चे नौजवानों की जरूरत है। वी आर नॉट प्राउड ऑफ यू। ये रहा तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर। अरे भाई डॉक्टर साईं कितना है? 110, 180। सेठ जी आप दोनों का रक्त दबाव बहुत बढ़ गया है। अरे तुम रक्त को रो रहे हो, हम अपने वक्त को रो रहे हैं। वक्त मत बनिए सेठ जी, कुछ अपनी सेहत का तो ख्याल कीजिए, पैसा तो फिर भी आ जाएगा। अरे भाई किधर से आ जाएगा, ये हमारे खून पसीने की आखिरी कमाई थी और अब तो सरकार ने ये धन कमाने के भी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आ जाएगा, चलो आप ये गोली खा लीजिए, रक्त दबाव नीचे आ जाएगा। हम तो 20 लाख के नीचे आ गए डॉक्टर, अब रक्त दबाव नीचे ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सॉरी दादी, बड़ा अफसोस हुआ अखबार में पढ़कर कि आपके वफादार और फरमा बरदार बेटे बड़ी बेदर्दी से आपको छोड़कर सरकारी खजाने में जा बसे हैं। इस नालायक और बदतमीज बेटे से रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। ये लीजिए। ये रुपए किसके हैं? आप नहीं समझिए? समझिए क्या? हाई सेठ जी के। तुम कौन हो? कौन हो? कादरा भाई 3 दरवाजे वाला। अरे ये पैसे उठाइए और किशोरी लाल जी के मकान की चाबियां दे दीजिए। कितने हैं ये? पूरे 60,000। और 5,000 ब्याज के? जी कादर। अरे फेरो भाई मवाली उठा लो से जी, इस वक्त ये भी बूढ़े नहीं हैं। लक्ष्मी किस्मत से जाती है पकड़ो, और किस्मत से आती है। ओ डैडी, ओ साईं, किस्मत की बात का हाँ, दौलत के साथ का हाँ, डैडी बंबई की बरसात का क्या है एतबार, बुरा पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार, पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार। ओ डैडी ओ डैडी, ओ साईं ओ साईं, अरे ओ डैडी ओ डैडी, अरे ओ साईं ओ साईं, किस्मत की बात का दौलत के साथ का, बंबई की बरसात का क्या है एतबार, बुरा पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार, पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार। We'll be right back.
गाड़ी है पैसा गाड़ी का पहिया। अरे ये दुनिया एक गाड़ी है पैसा गाड़ी का पहिया। गाड़ी से पहिया निकले तो कहो का दरबहिया। जी वही तो हो जो हुआ है साहब ओ साहब ओ साहब, माल तिजोरी से है गायब गायब गायब। बात हुई का समझ न आए, घर का बेड़ी लंका ढाए। घर के हालात का, दुश्मन की घात का, बंबई की बरसात का, क्या है एतबार। बुरा पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार, पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार। कागज के टुकड़ों की खातिर खून का रिश्ता तोड़ा, खून का रिश्ता तोड़ा। बाप ने बेटे को छोड़ा, बेटे ने बाप को छोड़ा, बेटे ने बाप को छोड़ा। साथ के साथी कब रहते हैं, कहने वाले सच कहते हैं। बड़ी क्या कहते हैं, और परदेसी जैसे पैसा भी उड़ जाए ऐसे। सच कहते हैं इन कागजात का, ऊंचे महलात का, बंबई की बरसात का, क्या है एतबार। बुरा पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार, पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार। किस्मत की बात का, दौलत के साथ का, बंबई की बरसात का, क्या है एतबार। बुरा पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार, पैसे का प्यार, बुरा पैसे का प्यार। ओ डैडी ओ डैडी, ओ साईं ओ साईं, ओ डैडी ओ डैडी, ओ साईं ओ साईं, ओ डैडी। बहादुर ये लो तुम्हारा जमीन का पैसा, पूरे 8,500 है। बहादुर तुमने जमीन बेचकर गांव से अपना आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया। भैया जिंदगी में कुछ रिश्तों को जोड़ने के लिए कुछ रिश्तों को तोड़ना भी पड़ता है। बहादुर ये साड़ी किसके लिए लेके जा रहा है? ये? अपनी लाजो बहन के लिए। कितनी खुश होगी इसको पहनकर। बहू, ओ बहू। क्या है माँ जी? तेरे पिताजी को दवाई खानी है, थोड़ा सा दूध चाहिए। दूध तो खत्म हो गया। तो बाजार से मंगा दे, इस वक्त सब दुकानें बंद हो गई हैं माँ जी। कहाँ जा रहे हो तुम? पानी नहीं, जरा पानी ले आता। ठहरो, मैं ले आती हूँ। नहीं बहू। ये क्या किया माजी? पानी लेने आई थी, ये बर्तन गिर गया। पानी लेने आई थी या दूध लेने आई थी? दूध। मगर तुम तो कह रही थी कि घर में दूध नहीं है।
मुन्ने के लिए थोड़ा रखा था जो आपने गिरा दिया। माफ करना बहू। माँ तुम्हें दूध चाहिए था तो मुझसे कहा होता, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। प्रकाश तुम ठीक कह रहे हो बेटे, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की अकल मारी जाती है। दरअसल मैं दूध ही लेने आई थी, मैं दूध ही लेने आई थी बेटे। रोने लाजो, मैंने सब सुन लिया। बर्दाश्त की बेखाद होती है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे लाजो। माधव, माँ और पिताजी कहाँ हैं? नीता दीदी वो लोग ये घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए? कहाँ चले गए? न जाने कहाँ चले गए। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से उन्हें तलाश कीजिए, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। वाह, तुम्हारे जैसे श्रवण कुमार बेटे को माँ बाप की फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी। गीता लाओ मेरी अमानत। कहाँ है मेरी अंधी माँ, कहाँ है मेरा बीमार बाप जिन्हें मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ गई थी। गीता खुद मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि बिना कुछ कहे वो कहाँ चले गए, क्यों चले गए। ये अपने दिल से पूछो, अपनी करतूतों से पूछो। क्या जुल्म ढाए होंगे तुम दोनों ने, जो उन्हें रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर अपने ही बेटे के घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बकवास बंद करो गीता। भैया जिस बाप ने तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा, तुम उन्हें 4 दिन भी अपने घर में नहीं रख सके। गीता कितने चाव से उन्होंने तुम्हारा नाम प्रकाश रखा था, मगर अफसोस तुमने उन्हें सिवाय अंधेरों के कुछ नहीं दिया। किसी ने सच कहा है, बेटा न हो एक दुख, हो के मर जाए 100 दुख, हो और नालायक निकले तो दुखों का कोई ठिकाना नहीं। गीता तुम आ गई। गुड न्यूज़ गीता, मैं डैडी से मकान छुड़ा कर ले आया हूँ। रंजीत तुम बहुत देर से पहुंचे, माँ और पिताजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नहीं प्रकाश की माँ मत जा, इतनी दूर तक मेरा साथ दिया है, 2 घड़ियों साथ दे दोगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। माधव चल बड़ी मेरे साथ। क्या ये सच है कि रंजीत ने इनकम टैक्स वालों को खबर दी? लेकिन सेठ जी इसमें रंजीत बाबू का क्या कसूर, कसूर तो उन कंगलों के खानदान का है जिन्होंने आपके बेटे पर जादू कर रखा है। मकान तो छुड़ा ही लिया, अब उनकी नजर आपकी दौलत पर है। मैं उस खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा, उस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। चलो आज भी कुछ पता नहीं चला। नहीं मौसी, शहर का कोना कोना छान मारा, कुछ नहीं पता चला। मैं डॉक्टर को ले आई हूँ प्रकाश के पिता। डॉक्टर साहब घबराओ नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़े दिन में गीता भी आने वाली है, बहादुर भी आ जाएगा, फिर हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बहन मौत से जिंदगी की बात कर रही हो, लाला जी तो हम सबको छोड़ के चले गए।
तुमने मेरा जरा भी इंतजार नहीं किया। पूरा वक्त आया तो तुम भी साथ छोड़कर चले गए। बहन, आखिरी वक्त उनके हाथ में ये चिट्ठी थी। लाजो, मुझे माफ कर देना। जिंदगी भर सिर्फ कोशिश ही करता रहा कि तुम्हारी झोली में चंद खुशियां डाल सकूं, मगर सिवाय दुखों के तुम्हें और कुछ नहीं दे सका। मैं नहीं चाहता कि इस बेदर्द दुनिया के अंधेरों में तुम भटकती रहो, ठोकरें खाती रहो। मेरी आंखें तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला सकती हैं, इन्हें अपना लेना। मुझे यकीन है तुम अपने इस बदनसीब पति की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगी। ये तुमने मुझे किस दुविधा में डाल दिया प्रकाश के पिता? मैं दुनिया देखना नहीं चाहती। ये दुनिया देखने के लायक भी तो नहीं। ये दुनिया को क्या हुआ राजू, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया बहादुर। अब कुछ नहीं रहा, कुछ भी तो नहीं रहा बहादुर। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। साड़ी की बात, अगर अगली दिवाली पर अपनी बहन को बनारसी साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाकर आपके साथ खड़ा ना कर दूं तो मेरा नाम बजरंग बहादुर नहीं। अच्छा,
तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मुन्ने को वापस दे दो। मुन्ने को वापस दे दूं? क्या रे, इतने से बच्चे के लिए इतनी जल्दी इतना प्यार हो गया तुम्हें? इस नन्ही सी जान के लिए तड़प रहे हो, लेकिन कभी यह भी सोचा तुमने कि जिन माँ बाप ने 25 बरस तक तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो भी तेरे लिए कितना तड़पे होंगे? प्रकाश, अब मैं तुम दोनों को तड़पाऊंगा, तुम दोनों को तड़पाऊंगा। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तू अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन कभी ये भी सोचा तूने कि वो बदनसीब माँ बाप कैसे जिंदा रहे होंगे जिनका ये बच्चा तूने उनसे छीन लिया? तुझे अपना बच्चा चाहिए तो ला मेरी बहन की आंखें, वापस कर मेरी विधवा बहन का शोहर। मामा, बहादुर, मुन्ने को दे दे। नहीं, मुन्ने को दे दे बहादुर। तू बीच में मत आ जाओ। मुन्ना दे दे बहादुर, तुझे मेरी कसम। नहीं, तुझे अपनी जीजाजी की कसम। गीता को छोड़ दो। माफ कीजिए रंजीत बाबू, आज आपको छोड़कर इन सब का आखिरी दिन है। पहला नंबर 13। जय पशुपति लाल। किसी तरह एक मां का इकलौता बेटा किसी लड़की के प्यार में दीवाना हो गया। एक दिन लड़की ने उससे कहा, अगर तुझे मुझसे सच्चा प्यार है तो जा, अपनी मां का दिल लेकर आ। मूर्ख बेटे ने मां का दिल निकाला, बेतहाशा लड़की की तरफ भागा, रास्ते में ठोकर लगी, लड़का गिर पड़ा। मां के दिल से आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? प्रकाश के पिता
तुम ही कहा करते थे अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया, आंखें बिल्कुल ठीक ढंग से लग गई। थैंक यू डॉक्टर साहब। जय पशुपतिनाथ। प्रकाश के पिता, जो दिन देखने के लिए तुम जिंदा थे वो दिन आज आ गया है, मगर तुम नहीं हो। बस मन को एक ही शांति है, ये हरा भरा परिवार, ये फिर से बसा हुआ घर, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही हूँ। अरे राम परमात्मा, भाई बनने चले थे दो नंबर के अमीर, बन गए एक नंबर के फकीर। अरे आओ भाई रंजीत, गीता मुबारक हो, हार्टी कांग्रेचुलेशन बाबा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं वादा करता हूँ आइंदा आठ नंबर के पांव के लिए छह नंबर का जूता मंगवाने की गलती कभी नहीं करूंगा बेटी। उस्ताद जल्दी करो, अगर हवाई जहाज छूट गया तो हनीमून पेरिस के बजाय टेरिस में मनाना पड़ेगा। किस्मत की बात का, दौलत के साथ का, मुंबई की बरसात का, क्या है इस बार बुरा पैसे का प्यार।